90,000 लोग जब शहीद हुए तो धरती इतनी खून से लाल हो गई, उसी खून के गारे से उस जो है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो मस्जिद का निर्माण करवाया था। खून की नदी मुलायम सरकार में बही, जो है उनको न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनवा लेंगे तब तक हम लोग जो है सर पर पगड़ी जूता नहीं पहनेंगे। राम का इंतजार न सिर्फ अयोध्या कर रही है, न सिर्फ भारत कर रहा है, बल्कि राम का इंतजार तो इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, पूरी सृष्टि कर रही है। लेकिन कुछ और इंतजार हैं जो आपको अयोध्या के आसपास मिल जाएंगे। मैं इस वक्त अयोध्या की परिधि में तो हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ हूं जो कुछ सालों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से राम के उनके जन्म स्थली पर उनके मंदिर में विराजित होने का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार सिर्फ इन व्यक्तियों का नहीं है, ये इंतजार इन पगड़ियों का भी है जो सर पर सजती हैं, सर की शान कहलाती है। क्यों ये पगड़ियां इनके सर पर नहीं है, क्यों इनके पैरों में जूते नहीं होते, इस कहानी को जानने के लिए हमें लगा कि इनसे ही बात कर ली जाए। और इसीलिए क्या ये कहानी है, क्या ये प्रसंग रहा कि ना तो आप लोग अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं ना पैरों पर जूते डालते हैं। मुझे पता चला ऐसी ब्याह में भी मंडप के ऊपर छत नहीं लगाई जाती, बांधा नहीं जाता उसे, क्यों ये ऐसी कसम ऐसी प्रतिज्ञा? आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के साथ में आया हुआ था, राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे चूंकि अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है, हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह जी, उनको जानकारी हुई तो उन्होंने यहाँ पे 2 दिन में 90,000 सूरबंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सबको साथ में लेकर के रास्ते में जो है सूर्यकुंड पड़ता है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं वहीं पे, सभी लोगों ने कसम खाई। चूंकि भाई शाही सेना थी उनके पास, तमाम हम लोगों के पास उस टाइप के हथियार अस्त्र नहीं थे, तो सभी लोगों ने कसम खाई, हो सकता है हम लोग जो है तो हमारे अगर मान लो शहीद होते हैं तो हमारे पूर्वजों को याद रहे ये कसम कि जब तक राम मंदिर न बन जाए तब तक वो जो है, तो हमारे पूर्वजों ने कसम खाई वहीं पर कि हम लड़ाई लड़ने हम लोग चल रहे हैं, जब तक मंदिर को मुक्त नहीं करा लेंगे इन आक्रांताओं से तब तक जो है ना तो हम पगड़ी धारण करेंगे, ना जूता पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे जी। उसके बाद सभी लोग जो है गए युद्ध के, जिसमें 6 दिन युद्ध चला, 6 दिन युद्ध चला, सभी लोग शहीद हुए। और जब सब 90,000 लोग जब शहीद हुए तो धरती इतनी खून से लाल हो गई, उसी खून के गारे से उस जो है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपका नाम? नवाब सिंह सूर्यवंशी। नवाब सिंह जी, जो बात बता रहे हैं, मैं आपसे पूछूं, अब जब वो प्रतिज्ञा आप लोग 500 साल पहले आपके पूर्वजों ने एक प्रतिज्ञा ली वो पूरी होती दिख रही है, रामलला का मंदिर बनता दिखाई दे रहा है, तो कैसे अनुभूति होती है? अत्यंत हर्ष होता है कि आज हमारे पूर्वजों के बलिदान का यह परिणाम है, कि उनके बलिदान का ही यह परिणाम है कि उन्होंने जो संकल्प लिया उनकी जनरेशन आज ही उसको निर्वहन कर रही है लगभग 500 वर्षों से। और जो संकल्प लिया गया था, जिस लिए संकल्प लिया गया था, अगर वह संकल्प उस संकल्प का निर्वहन करते हुए हम और हमारी जनरेशन आज भी उसका पालन कर रही है, न सर पर पगड़ी बांध रही है, न पैरों में चमड़े का जूता पहन रही है और ना ही बरसात में छाते ले रही है, तो हमको बड़ी ही गर्व की अनुभूत होती है कि आज हमारा संकल्प हमारे पूर्वजों का पूरा हो रहा है, उनकी यादगार को आज भी हमारे आने वाली जनरेशन हम सहित निर्वहन कर रहे हैं, हमको अत्यंत हर्ष होता है। आपका नाम? शिव सिंह मेरा नाम है। आपसे पूछना चाहूंगा, अपना नाम भी बता दीजिएगा, साथ में बताइएगा, जब आप लोग छतरी नहीं लेते थे या चमड़े के जूते नहीं डालते थे या पगड़ी नहीं लेते थे, समाज में दूसरे गांवों में कार्यक्रम होता था, लोग कभी पूछते नहीं थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, या कभी उपहास नहीं बना कि बारिश हो रही और छतरी भी नहीं डाल रहे? तो लोग पूछते थे, तो मतलब हमारे यहाँ सबको ये पता है कि इनके पूर्वजों ने कसम खाई थी, हमारा नाम दयाराम सिंह सराय राशि गजराज बाबा ने कसम खाई थी कि जब तक हम अपना जन्मभूमि पर नहीं ले लेंगे, नहीं हमारा राम बैठ जाएंगे तब तक, तो हमारे जो है परिवार ने ये कसम को निभाया कि मतलब सिर पे पगड़ी न धरे हो, पैर में जूता न पहरे हो और मंडक न छाए हो, जो वही खाली बांस गाड़ दिया जाए, जो मंडक की बात आपने किया, बांस गाड़ दिया जाता है बीच में एक यंगा, बस इसी पर शादी किया जाता है, दूसरा कुछ नहीं किया जाता। जब भगवान हमारे जब छत के अंदर हो गए तो हम लोग ही अब छाएंगे, ये जो है प्रतिज्ञा थी और आज प्रतिज्ञा वो पूरी हो गई, योगी और मोदी के भाई कार्यकाल में पूरी हुई। और हमारे पूर्वजों ने तो भाई सरकार थे नहीं, खाली अपने बलबूत पर उन्होंने लड़ाई लड़ा और उनके पास तो भाई अस्त्र शस्त्र सब सेना थी, तो भाई वो ध्वस्त कर दिए, बोला लड़ाई चलती रही, लड़ाई तो बार बार जो है चलती रही।
लड़ाई आपकी प्रतिज्ञा के तौर पर भी तो चल रही थी, जिस प्रतिज्ञा को आपने सालों से धारण किया हुआ था। आपसे पूछूं, जैसा इन्होंने भी कहा कि ये प्रतिज्ञा थी, लड़ाई थी, अब जब भगवान छत के अंदर होंगे तो आप लोग भी छत लेंगे, सर पर पगड़ी लेंगे, मंडप में अब वो बंधने लगेंगे, ये जब बदलाव आएगा, और अब तक नहीं हो रहा था, जो एक परंपरा बन गई थी, वो बदलाव की अनुभूति, वो सोचना कैसा लगता है कि अब ये पगड़ियां कुछ दिनों में सर पर होंगी? बाबा गजराज हमारे सूरजकुंड पर कसम खाए थे, हमारे कुल देवता थे, कि जब तक राम मंदिर नहीं बनवा लेंगे तब तक हम लोग जो है सर पर पगड़ी जूता नहीं पहनेंगे, और यही कसम आज तक चलता रहा। और अब भगवान गर्भगृह में जाएंगे, हम लोग भी जूता पगड़ी यही जो है 14-15 या के अंदर में धारण करेंगे, और हमें बहुत खुशी है। और एक बार मीर बाकी ने जो है खून बहाया, और दूसरी बार जब कार सेवा हुई हम लोगों भी वहां गए थे, खून की नदी मुलायम सरकार में बही, जो है उनको न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको अनायास बुलाया जा रहा है, जिसके परिवार को इतना बड़ा कांड किया, खून की नदी बहाया, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी। और हम मोदी और योगी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हमारे बाबा गजराज को के खानदान का एक आदमी सराय राशि का जो सूरबंशी है, वर्जन क्षत्रिय है, उसको जो है ट्रस्ट में रखा जाए, उस ट्रस्ट में शामिल हो, आपकी भी वो भागीदारी आप वो कह रहे हैं। एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि क्या मैं ये कल्पना कर सकता हूं कि आप लोग जब ये पगड़ी धारण करें, जब पैरों में चमड़े के जूते हों, छत्री हो सर पर, क्या वो सब लेकर जन्मभूमि पथ पर जाते दिखाई देंगे कि जो सालों से नहीं दिखा, कि पगड़ी पहनकर भगवान के दर्शन करने जाएं जब भगवान विराजित हो जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, और जाने का संकल्प भी लिए हैं, लेकिन ऐसा है 22 जनवरी को हम लोगों को वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 22 जनवरी के बाद हम लोग सर पे पगड़ी और छाता तो नहीं लगाएंगे। सूर्य भगवान हमारे इष्ट हैं, उनको हम छाता नहीं दिखा सकते हैं, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी बांधेंगे और जूता भी पहनेंगे। और बड़े हर्ष, बहुत ही हर्ष का विषय है, जो 5 वर्षों में नहीं पूरा हुआ वो अब पूरा होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए, जिससे हमारी खुशी जिस तरह हम दीपावली और होली मनाते हैं उसी तरीका इसको भी हम लोग मनाने की पूरा कोशिश करें। जो बात आपने कही है वो आखिरी सवाल नवाब साहब, मैं आप कहना चाह रहे थे कि आपसे मैं पूछना चाह रहा था, और जैसा उन्होंने कहा 22 जनवरी आपके लिए कैसा होगा, वो कैसा पर्व होगा? 22 जनवरी हम लोगों के लिए कैसा होगा, यह तो खुशी बताने योग्य नहीं है, इतनी खुशियां हैं कि हम लोग कितना खुशी मनाएंगे ये तो हम लोग की खुशी का अंदर की क्या आपको बात बताऊं। और यह है कि हमारे रामलला 22 तारीख को विराजमान होने जा रहे हैं, हम लोग अपने पूर्वजों का संकल्प पूरा होने जा रहा है, और उस संकल्प से हमको बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए हम लोग बहुत ही आनंदित हैं इस विषय पर। आप लोग आनंदित हैं, और ये अपने आप में एक अनूठी तपस्या है, एक तपस्या होती है, एक व्यक्ति उसको करता है, लेकिन कोई एक तपस्या जिसको एक व्यक्ति ना करे, कुल करे, पीढ़ियां करती चली जाएं, 500 सालों तक करती चली जाएं, और अब ये जो इंतजार है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द ये उस संकल्प को पूरा करेंगे जो उनके पूर्वजों ने लिया, और उसके बाद जैसा कहा जा रहा है वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी ना, उस मुस्कुराहट के साथ जो कहा गया था कि अब जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाते वक्त इन सबके सर पर वो पगड़ी होगी, जय श्री राम के नारे होंगे, पैरों में जूते होंगे, और गर्भगृह में जब भगवान राम के दर्शन करेंगे तो संकल्प की वो जो पूर्ति है, जो संकल्प का पूरा होना है, वो दर्शन के बाद भी साकार हो जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।